शहर में लगातार हो रही चोरी की घटना के बीच शुक्रवार की रात कलमना थाना क्षेत्र के चिखली इलाके में स्थित एक स्टील गोदाम में चोरी के मकसद से पहुंचे लोगों ने वहां तैनात चौकीदार के सिर पर डंडे से करारा प्रहार कर उसकी हत्या कर दी। हालांकि पुलिस ने इस बारे में पुष्टि नहीं की है और आरोपियों को तथा हत्या के पीछे का कारण तलाशने में जुट गई है। प्राथमिक अनुमान यह है कि इस हत्याकांड को रात को घूमने वाले चोरों ने ही अंजाम दिया होगा। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचने के बाद क्राइम ब्रांच कर्मी भी जांच में जुट गए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार 60 वर्षीय नामदेव राव बाव ने कलमनाथ थाना क्षेत्र के चिखली इलाके में स्थित एक स्टील के गोदाम में चौकीदारी करते थे। शुक्रवार की रात इस स्टील गोदाम के सामने वे अपनी ड्यूटी पर तैनात थे। संभवतः उनका सामना वहां चोरी के लिए पहुंचे आरोपियों से हो गया। चोरों को टोकने पर आरोपियों ने डंडे से बूढ़े नामदेव राव के सिर पर करारा प्रहार किया। खून से लथपथ नामदेव राव वही गिर गए तथा अत्यधिक खून बहने से रात के समय ही उनकी मौत हो गई। आरजी स्टील इंडस्ट्रीज इथे नामदेवराव बावणे नावाचे सिक्युरिटी गार्ड आहेत। ते रात्री काल रात्री 8 वाजता ते ड्युटीला आले। ड्युटीवर असताना त्यांच्या ते बाहेर खुर्चीवरून ते मृतावस्थेत मिळून आले। त्याच्या डोक्याला मार म्हणजे मोठी जखम आहे, त्याच्यात ते मय झालेले। आरोपी अज्ञात आरोपी आहेत आणि मयताचं नक्की कारणाचं समजलेलं नाही। त्या अनुषंगाने तपासात होतं। मृतक हे त्याचं क्राईम रेकॉर्ड अजून काही चेक केलेलं नाही, पण मृतक हे वयस्कर म्हणजे 60 वर्षाच्या वरील व्यक्ती आहे। अभिलेख मिळालेलं नाही। साधारण किती वाजता वगैरे ही घटना? काल रात्री 21/2020 रोजी 8 वाजता हे कत्र्यावर आले। सिक्युरिटी वॉचमन म्हणून ड्युटी करतात। आरजी स्टील येथे बाहेर गेटवर बसले असताना नक्की कुठल्या कारणासाठी आणि कोणाबरोबर वाद झाला याचं काही माहिती मिळत नाही, पण त्या तत्कालीन कारणावरून यांचं वादावरून मारहाण झाली असून त्याच्यात ते मय झालं असं एकत्रित वाटतं। चोरों ने संभवतः नामदेवराव की हत्या के लिए उनके पास वाला ही डंडा इस्तेमाल किया। पुलिस ने घटनास्थल से कुछ ही दूरी पर खून से सना डंडा बरामद कर लिया है। शनिवार की सुबह किसी ने नामदेवराव बावने की लाश देखी और पुलिस कंट्रोल रूम को फोन किया। कुछ ही देर में कलमना पुलिस का दस्ता घटनास्थल पर पहुंच गया। ACP DCP तथा क्राइम ब्रांच के कर्मचारी भी घटनास्थल पर पहुंच गए। पंचनामे के बाद बावने की लाश पोस्टमार्टम के लिए मेयो अस्पताल रवाना की गई थी। कैमरा पर्सन वीरेंद्र खोबरागड़े के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट, इनबीसीएन न्यूज़, नागपुर।